अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका विकास, आप अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे टेली शॉर्ट की इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट पार्ट वन, तो इसमें हम लोग टेली के कुछ मॉक टेस्ट के बारे में जानेंगे जो कि शॉर्टकट की बेस पे हैं, जिसमें टेली के करीब आपको 100 क्वेश्चन करीब मिलेंगे, आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये पहली पार्ट है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से टेली के अगर आपके किसी प्रकार के शॉर्टकट के क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली आते हैं आपके, अगर आईटीआई कोपा का एग्जाम देंगे या ट्रिपल सी में भी आ जाते हैं आपके, बाकी जितने भी टेली से रिलेटेड बैंक से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन होंगे आपके कॉमर्स वगैरह के, तो सब में आपके टेली के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो उस पर ये टॉपिक बनाया जा रहा है, तो आप देख लेते हैं सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये मेरे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है पूरा, तो इसकी पीडीएफ जो आपको होगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप वेबसाइट जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका सलूशन हम लोग करेंगे, उसका आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टैली में सेल्स वाउचर बनाने के लिए आपको कौन सी की आपको प्रेस करनी पड़ेगी। उसको सबसे बेस्ट ये है कि आपको हिंदी में मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी सभी लोगों को। तो पहला क्वेश्चन, टैली में सेल्स वाउचर बनाने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी। तो आंसर बनेगा पहले का सी, F8। F8 की आप प्रेस करेंगे तो आप टैली में सेल्स वाउचर बना सकते हैं। तो ये की उसी में काम करेगी, जब आप टैली सॉफ्टवेयर आपने ओपन करके रखा होगा तभी ये की वहाँ पे काम करेगी, ऐसे काम नहीं करेगी। सेकेंड है, स्टाफ जनरल प्रविष्टि के लिए हम टैली में कौन सी की का प्रयोग करते हैं। तो सेकेंड का ऑप्शन बनेगा, स्टाफ जनरल प्रविष्टि के लिए हम Alt+F7 की का प्रयोग करते हैं, तो सेकंड का बी ऑप्शन बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, टैली में स्टॉक जर्नल में एंट्री करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको शॉर्टकट की पता होंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि उसमें माउस का यूज़ होता नहीं, टोटली आपका कीबोर्ड का यूज़ होता है टैली में। तो आपको शॉर्टकट की आपको जरूर पता होना चाहिए, उनके मॉक टेस्ट भी आपको पता होने चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, टैली में स्टॉक जर्नल में एंट्री करने के लिए शॉर्ट की का क्या उपयोग होता है। तो थर्ड थर्ड का ऑप्शन बनेगा सी, Alt+F7। फोर्थ नंबर पर चलते हैं, बैलेंस शीट के अंतर्गत इन्वेंट्री रिपोर्ट की लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा डी, फोर्थ का ऑप्शन बनेगा आपका बी, F9। फाइव नंबर, टैली में किसी भी रिपोर्ट का प्रिंट लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंट आपको लेना है तो Alt+P यहाँ पे आएगा, फिफ्थ का सी। सिक्स नंबर पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में या किसी अन्य कंपनी में किसी भी कंपनी के डेटा को निर्यात करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो सिक्स का ऑप्शन बनेगा Alt+E, बी। सेवन नंबर पे चलते हैं, टैली में कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है तो सेवंथ का ऑप्शन बनेगा AF1। एट नंबर पे चलते हैं, टैली में खुली कंपनी को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो एट का ऑप्शन बनेगा बी, Alt+F1। नाइन नंबर पे चलते हैं, टैली में वर्तमान अवधि को बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो नाइन्थ का ऑप्शन बनेगा आपका बी, Alt+F2। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। टेन नंबर पे चलते हैं, टेली में नई कंपनी बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की गई कुंजी का प्रयोग किया था। तो टेंथ का ऑप्शन बनेगा Alt+F3। 11 नंबर, टैली में फीचर को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो 11th का ऑप्शन बनेगा F11, बी। 12 नंबर है, टैली में कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो 12th का ऑप्शन बनेगा सी, F12।
थर्टीन नंबर चलते हैं। टैली में बाहर निकलने के लिए कौन सा की का उपयोग किया जाता है? तो 13 का ऑप्शन बनेगा क्विट, यानी कि सी। 14 नंबर, टैली ERP 9 में सिग्नल प्रविष्टि सिस्टम की बजाय डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम में प्रविष्टियों को पोस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो 14 का ऑप्शन बनेगा BF12B। तो एक बार आपको जब सॉफ्टवेयर दिखा देंगे टैली का, उसमें सारी की जितनी भी हम बता रहे हैं आप मॉक टेस्ट में, तो सारी की आपको दिखा देंगे कैसे कार्य करती है, तो आपको और बेस्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको यूज करना है। 15 नंबर पे चलते हैं, टैली में हम सभी प्रकार की समायोजन प्रविष्टियां कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो 15 का ऑप्शन बनेगा F7 जर्नल। 16 नंबर है, टैली में अकाउंटिंग फीचर का उपयोग करने के लिए किस कंपनी फीचर की स्क्रीन में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 16 का ऑप्शन बनेगा AF1। 17, कंपनी का चयन करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 17 का ऑप्शन बनेगा F1। 18 नंबर, टैली फीचर में स्टेचरी एंड टेक्सटेशन का उपयोग करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 18 का ऑप्शन बनेगा आपका F3A। 19 नंबर चलते हैं, टैली में डेबिट नोट में एंट्री पोस्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 19 का ऑप्शन बनेगा सी, Ctrl+F9। लास्ट क्वेश्चन है इस PDF का, शॉर्टकट की फंक्शन और फीचर स्क्रीन का चयन करने के लिए कौन सी कुंजी का मदद किया जाता है? तो F11। अगर आपकी शॉर्टकट की वगैरह कुंजी को आपको ओपन करना है तो कहाँ से आप मदद ले सकते हैं? तो F11 आपको प्रेस करनी पड़ेगी। तो आशा करते हैं आपको ये पहला मॉक टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा और आपको टैली से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्टकट की हैं वो आपको मिल गए होंगे इस 20 क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको टैली को समझने में भी और टैली को आसानी से एक्सेस करने में भी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड की, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन और बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।